अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बखैर व आफ़ियत होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल जैद असील ऑफिशियल, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आप अपने कीमती बर्ड्स को अपनी छतों पर कुछ आसान इकदाम कर कर किस तरह से पाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो फीड के हवाले से है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये मौसम ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, तो इस मौसम में जब आप अपने बर्ड्स के जोड़े लगवाते हैं तो आप अपने बर्ड्स को वो कौन सी ऐसी डाइट और ख़ुराक मुहैया करें कि जिससे वो जब अंडे आप हासिल करें तो वो साइज़ में पूरे हों और उनके अंदर कैल्शियम की या प्रोटीन की भी कोई कमी ना हो और फर्टिलिटी भी उसमें ज़्यादा हो। तो जी दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो उम्मीद करूँगा कि आपके जो चूज़े हैच होकर बाहर आएंगे उसकी मोर्टेलिटी रेशो बहुत ही कम होगी और चूज़े भी हेल्दी और एक्टिव होंगे, उनका साइज़ भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर होगा। तो आपका टाइम वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करते, चलते हैं टॉपिक की तरफ। और दोस्तों, जब आप ये अंडे मुर्गी के नीचे रख के हैच करवाएंगे तो वो से जो चूज़े आप हासिल करेंगे वो चूज़े भी जो चूज़े होंगे वो भी मोटे ताज़े और काफ़ी हेल्दी होंगे। तो उसके लिए आप कौन सी ऐसी डाइट है वो जो अपने बर्ड्स को दें, तो उसके बारे में आज हम आपको बताएँगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप जो भी अपने बर्ड्स लगा पेयरिंग के लिए लगाए हुए हैं उनकी प्रोटीन जो है आपको पूरी करना लाजमी होता है। अगर तो आपने खुले बर्ड्स छोड़े हैं, परिंदे आपके खुले फिरते हैं, तो फिर तो वो प्रोटीन खुद ब खुद यहाँ पे पूरी कर लेते हैं। और अगर आपने अपने बर्ड्स को छतों पर केजिस के अंदर रखा हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पर अपने केजिस के अंदर रखा हुआ है, तो फिर आपको प्रोटीन जो है वो खुद बना कर अपने बर्ड्स को देनी पड़ेगी। तो उसका दोस्तों बेहतरीन सोर्स और ज़रिया यही होता है कि जो खल होती है, जब बकरा ईद आती है तो हम अपने अक्सर जानवरों के लिए दाना तुड़ी वाले की दुकान पे जाते हैं तो उनके पास खल भी होती है, तो वो बेहतरीन सोर्स होता है आपके बर्ड्स की प्रोटीन को पूरा करने के लिए। इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया प्रोटीन आप किस तरह से पूरी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर उसको कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है कि उसकी कैल्शियम जो है वो, क्योंकि दोस्तों अंडा जो है दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक पहले नंबर पर तो प्रोटीन उसकी पूरी होनी चाहिए ताकि उसकी जो जर्दी होती है वो पूरी प्रोटीन होती है। और जो उस अंडे का शेल होता है वो शेल दोस्तों वो पूरा कैल्शियम से बनता है, और जब तक आपकी मुर्गी के अंदर कैल्शियम की कमी पूरी नहीं होगी तो वो अंडा जो है पूरी छिलका जो उस अंडे का है वो सही तरह से नहीं बनेगा। बास टाइम आप कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी मुर्गी जब अंडा देती है तो वो उसका छिलका बिल्कुल नरम होता है या नरम अंडा देती है, तो उसकी वजह यही होती है कि मुर्गी के अंदर कैल्शियम की मिकदार पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से जब वो अंडे देती है तो उसका अंडा जो है उसके अंडे के जो शेल होता है वो शेल जो है इतना कमज़ोर होता है कि उसके ऊपर छिलका पूरा चल आता ही नहीं, सिर्फ ऊपर झिल्ली सी होती है, बहुत नरम सा अंडा होता है। तो दोस्तों, आप कैल्शियम की कमी को पूरा किस तरह से कर सकते हैं? तो उसके लिए दोस्तों आप ये कर रहे हैं कि आप मेडिकल स्टोर से कैल्शियम पी के नाम से सिरप आता है, वो एक कैल्शियम पी का सिरप ले आएँ और एक एक से एक सीसी कम अज़ कम 12 से 15 दिन अपने बर्ड्स को लाजमी दें, तो इससे उसकी जो कैल्शियम की कमी है वो इंशाल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर दोस्तों, कैल्शियम की कमी पूरा करने का तरीका ये होता है कि जो मुर्गियों के जो अंडे होते हैं, अंडियों के जो शेल जो छिलका होता है उसको आप ले लें और लेकर उसको अच्छी तरह से पहले धो लें और धोकर उसको दलिया टाइप कूट लें, मोटा मोटा यानी उसके छोटे बारीक बारीक जो उसके टुकड़े कर लें, वो भी आप अपने बर्ड्स को फीड के साथ या दाने के साथ मिक्स कर कर दें, तो इंशाल्लाह ताला ये देने से भी उनके अंदर कमी कैल्शियम की जो कमी है वो भी इंशाल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। दोस्तों, जब वो ये दो कमियों को पूरा कर लेगी, प्रोटीन और कैल्शियम को, तो जब वो अंडा देगी तो वो पूरा अंडा जो है उसका छिलका है वो भी सख्त होगा और अंदर से जर्दी होगी वो भी सही होगी। तो इसके अलावा दोस्तों, हम उसको और ऐसी कौन सी खुराक दें जिससे जो आपके अंडों से जब बच्चे निकलेंगे तो उसकी मोर्टेलिटी रेशो जो है वो भी कम हो और उनकी नशोनुमा भी अच्छी हो और वो ग्रोथ भी अच्छा करें। उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप जो बर्ड्स लगा रहे हैं उनको भी अच्छी खुराक मुहैया करें, जिसकी वजह से आगे जब आपके अंडों से बच्चे हैचों के बाहर आएंगे तो वो भी अच्छे मोटे हेल्दी और जो होते हैं तंदुरुस्त होंगे और अच्छी नशोनुमा पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों, ये तो प्रोटीन और कैल्शियम के बारे में बता दिए। दूसरे नंबर पर हम आपको बताता हूँ कि आप अपने बर्ड्स को किस तरह से आप करना जो है वो दाना दें और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसे मिक्स करें कि जिससे उसकी डाइट जो है मुर्गियों की वो बेहतर हो सके। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ, जो मैं अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करता हूँ वही आपके साथ शेयर करने लगा हूँ।
जी दोस्तों, ये देखें, ये दालदाना है। दालदाना ये है, मैं जो हूँ वो तो खुद चीज़ें ला के मिक्स करके खुद ही बनाता हूँ। बेहतर दोस्तों यही होता है कि आप जो है ये चीज़ें सारी खुद ले आएँ और लाकर खुद मिक्स करके ये दाना खुद बनाएं। ये बहुत ही क्वालिटी वाला दाना बनेगा। जो बाहर से आप लाएंगे उसके अंदर कुछ नहीं पता होता, कि अक्सर लोगों ने बीच में जो है ना दालों के ऊपर या पत्थरों के ऊपर ही रंग किया होता है, रंग करके दालदाना उसे मिक्स करके बना लेते हैं और हमें जो है कस्टमर होता है उनको दे देते हैं। तो दोस्तों इसमें हम करते क्या हैं कि जी हमने 3 किलो इसमें बाजरा ले लेना है और 2 किलो जो है वो गंदुम ले लेनी है, या आप जिसे कनक कहते हैं आपने वो कनक ले लेनी है, और 2 किलो ही आपने दली हुई मकई, जो मकई होती है, मकई के दाने जो होते हैं उसको जो पीस के उन्होंने मोटा मोटा दरदरा जो है वो कूटा हुआ होता है वो ले लेना है, और 1.5 किलो आपने जो है ये टोटा चावल जो होते हैं वो ले लेने हैं, और आधा किलो दोस्तों इसके अंदर आपने काले चने जो होते हैं वो मिक्स कर लेने हैं। और दोस्तों इस दाल दाने के अंदर आपने जो है वो एक लाल दाल जो होती है पाइया वो ले लेनी है, और पाया ही हरी दाल सब्ज़ दाल जो होती है जो खिचड़ी के लिए इस्तेमाल होती है वो दाल ले लेनी है। वो दोनों दालें पाया पाया इसके अंदर मिक्स करनी है। ये तो दोस्तों हो गया आम जो हम दाल दाना मिला कर मिक्स करके अपने बर्ड्स को देते हैं। तो दोस्तों इस सीज़न में जैसा कि ब्रीडिंग सीज़न है आप जानते हैं, तो इसमें हम और ऐसी क्या चीज़ें मिक्स करें कि जिससे एक तो मुर्गियों को ठंड भी ना लगे और वो जो हैं आपस में मेटिंग भी करें और अंडे भी जो हैं वो टाइम पर सही तरीके से दे सकें। तो दोस्तों उसमें आपने ये करना है कि ये जो होते हैं भांग के बीज, ये भांग के बीज हैं, ये देखें, ये भांग के बीज जो हैं आपने ये 10 किलो दाने के अंदर जो है आधा किलो भांग के बीज मिक्स करने हैं, और तीसरे नंबर पर दोस्तों आपने ये खुरतम होती है आधा किलो ही ये खुरतम लेनी है, और ये आधा किलो खुरतम जो है 10 किलो दाने के अंदर ही मिक्स करनी है। तो ये दोस्तों आपने बनाकर अपने बर्ड्स को देना है, और जो आपने बर्ड्स आपने ब्रीडिंग पर्पस के लिए लगाए हैं ये 18 नंबर फीड इसके अंदर मिक्स कर कर आपने देनी है। तो ये आपका तकरीबन 14 साढ़े 14 किलो दाना जो है वो बन जाएगा। तो ये खुराक आप दें जब देंगे तो इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो आपके साथ मैंने शेयर की है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।